हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि कोई भी पासवर्ड कोई भी फोल्डर पे कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पंकिलश आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टैग की नर्ड में। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी फोल्डर पे आप अपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एनवी पासवर्ड प्रोटेक्टर, ठीक है, फोल्डर प्रोटेक्टर। तो ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुका है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले उस पर एक डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक होने के बाद उसका सेटअप फाइल ओपन होगा। तो यहाँ पर हम ओपन करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसमें 2-3 मिनट का समय लग सकता है, तब तक प्रतीक्षा करें। ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स में नोटपैड फाइल ओपन होगी, जिसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बन चुका होगा। यहाँ पर उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स में उसका विंडो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी हमें इसी विंडो के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द पासवर्ड हियर। तो यहाँ पे आपको मास्टर पासवर्ड देना है, जो आपको कोई भी सिचुएशन में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये मास्टर पासवर्ड से आप अपना फोल्डर अनलॉक कर सकते हैं। तो ध्यान से रहे, ये मास्टर पासवर्ड आपको याद रखना है कि कौन सा मास्टर पासवर्ड आपने सेट किया है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी रखना है, ताकि आप अगर पासवर्ड भूल जाए तो वापस पासवर्ड रीसेट करने के लिए ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल के उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आपका कौन सा फोल्डर प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाके माय फोल्डर का एक नेम फोल्डर है हमारे डेस्कटॉप पे, उसको हम सेट कर देते हैं। तो हम जैसे माय फोल्डर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम उसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा पाथ यहाँ पे आ चुका है। अभी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पॉपअप जो भी ड्रॉप डाउन है उसमें से हार्ड एंड लॉक है, उसमें क्लिक करके यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखना है या फिर कस्टम पासवर्ड रखना है। आपको अगर मास्टर पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट रखा था वो भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपको पासवर्ड उससे अलग रखना है तो आप कस्टम पासवर्ड पे चूज़ कर सकते हैं। तो आप अलग पासवर्ड आपका बच जाएगा, आपका दो पासवर्ड हो जाएगा। लेकिन अब अभी हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही रखते हैं, जो हमने मास्टर पासवर्ड का रखा था। यहाँ पर हम सिंपली उसको ओके कर देंगे, ठीक है। अगर आप कस्टम पासवर्ड रखते हैं, तो ही आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक आ चुका है कि वन आइटम प्रोटेक्टेड, मतलब आपका पासवर्ड फोल्डर पे लग चुका है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड लग चुका है कि नहीं। तो देखिए आप एक्स्ट्रा पे माय फोल्डर पर लगा था हमने पासवर्ड, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो अभी हम मास्टर पासवर्ड हमने जो लगाया था वो यहाँ पर डाल के चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा विंडो ओपन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरी जो फाइल थी वो सारी की सारी एक्सेस हो गई है, बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होता था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्लोज़ करने के बाद भी चलता है कि नहीं। तभी हम इसको क्लोज़ करेंगे, तो एवरी टाइम आपको वापस पूछेगा कि आपको पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना, डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर द प्रोटेक्शन और नॉट। तो आपको हर बार ये ओके पे यस कर देना है, ताकि आपका वापस पासवर्ड लग जाएगा। क्योंकि एक बार आपने अनलॉक कर दिया, फिर वापस लॉक करने के लिए इसकी परमिशन मांगता है, तो आपको यस कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फोल्डर पे पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर किसी और प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक पर हमारी ओर से वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बाय।